नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुकवर्म्स ऑफ एसएससी में। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट बहुत ज्यादा फेमस है एसएससी सीजीएल एग्जाम के अंदर। मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सके। आज हम बात करेंगे इस पोस्ट की, पूरी जॉब प्रोफाइल की, कट ऑफ, इंक्रीमेंट्स, पेमेंट्स, इसके साथ साथ ट्रांसफर किस प्रकार होता है इसके अंदर, हर एक चीज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके पास इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में पूरी नॉलेज हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके सिलेक्शन प्रोसेस से। सो स्टूडेंट, जो सिलेक्शन प्रोसेस है इनकम टैक्स का सिलेक्शन होता है एसएससी सीजीएल की पोस्टों से। इंस्पेक्टर की पोस्टें निकलती है, एसएससी सीजीएल का रिक्रूटमेंट होता है। अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल 2018 का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है जिसमें इनकम टैक्स की पोस्ट शामिल है। और इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है मैक्सिमम 30 इयर्स, यानी कि ये जनरल कैटेगरी की एज है स्टूडेंट्स। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम 30 इयर्स तक आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म अगर भरते हैं तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं एज एन इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए है ग्रेजुएशन, क्योंकि एसएससी सीजीएल जो होता है वो ग्रेजुएट लेवल पर होता है। तो आप ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट हो सकते हैं और इनकम टैक्स की पोजीशन पा सकते हैं इंस्पेक्टर के तौर पे। सो स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर सैलरी कितनी होती है इंस्पेक्टर पोस्टों की, हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7th पे कमीशन के बाद की। अब स्टूडेंट सबसे पहले मैं बता दूं, जो इनकम टैक्स की पोस्ट है ये है ग्रुप सी नॉन गेस्टेड पोस्ट। तो ग्रुप सी की नॉन गेस्टेड पोस्ट है और इसका ग्रेड पे है 4600 ग्रेड पे स्टूडेंट। बहुत हैंडसम सैलरी बनती है 4600 ग्रेड पे से। तो यहाँ पर देखिए 4600 ग्रेड पे से जो इसका बेसिक बनता है, लेवल 7 के जॉब है और जो बेसिक बनता है इसका बनता है 44,900 रुपए। और 44,900 रुपए के बेसिक पर HRA, DA, TA इन सब अलाउंसेस को मिलाकर जो आपकी नेट इनहैंड सैलरी बनती है वो बनती है 55,000 रुपए एक्स सिटीज में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स सिटीज यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता, जो मेट्रो सिटीज होती है वहां पर इतनी सैलरी बनती है। 1-2 हजार का डिफरेंस आता है अगर आप जाते हैं वाई सिटीज के अंदर या जेड सिटीज के अंदर। वाई सिटीज में आती हैं लखनऊ, रायपुर, जितनी भी बाकी सिटीज हैं वो इसके अंदर आती हैं। और छोटे जो छोटे एरियाज होते हैं टाउन, वो आते हैं जेड सिटीज के अंदर, यानी सब अर्बन एरियाज। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 50,000 के ऊपर आपकी सैलरी बनेगी अगर आपकी पोस्टिंग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या चेन्नई में हो गई, तो आपकी जो सैलरी है 55 के ऊपर भी जा सकती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये इनकम टैक्स की जो पोस्ट है ये बराबरी करती है डबल एओ की पोस्ट, असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर की पोस्ट है ये 4800 ग्रेड पे की। और ये गेस्टेड पोस्ट है स्टूडेंट्स, ये इसकी बराबरी करती है सैलरी में, क्योंकि डबल एओ की सैलरी भी अराउंड 55 से 60 के बीच में बनती है इन हैंड, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी सैलरी इतनी ही बनती है एक्सिटीज के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये रही सैलरी की बात। सो स्टूडेंट्स इनके साथ साथ आप देखते हैं जॉब प्रोफाइल क्या है इस पोजीशन की। जॉब प्रोफाइल स्टूडेंट्स दो तरीके की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर की, एक असिस्टमेंट सेक्शन है, एक नॉन असिस्टमेंट सेक्शन है। अब वो आपकी पोस्ट, आपकी पोजीशन कहाँ लगाते हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप असिस्टमेंट सेक्शन में जाते हैं तो सबसे पहले आपका जो काम होगा वो बिल्कुल डेस्क जॉब होगी स्टार्टिंग के अंदर। क्लेरिकल वर्क करना पड़ेगा आपको, जो भी टैक्स आते हैं इंडिविजुअल के, कंपनीज के, उनका असिस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। और आप किसी ITO यानी इनकम टैक्स ऑफिसर के अंडर में काम करेंगे। बेसिकली आपका काम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा, फाइल हैंडलिंग, ये सब सारा काम आपको करना पड़ेगा। इसके साथ साथ रिफंड के क्लेम्स को हैंडल करना, क्वेरी जो भी टैक्स डेटा की क्वेरीज हैं उनको आपको
देखना पड़ेगा, टैक्स इवेजन अगर कहीं हो रहा है तो उसके बारे में कंप्लेंट जो होती है उनको आपको हैंडल करना पड़ेगा। और अगर आप नॉन असेसमेंट सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आपकी जॉब थोड़ी चैलेंजिंग हो जाती है। आप रेट्स में शामिल होते हैं, रेट्स कंडक्ट करते हैं, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है, आप फील्ड में काम करते हैं और अलग से आपका जो रुतबा है वो फील होता है कि आप इनकम टैक्स के अंदर जॉब कर रहे हैं। इसके बाद आपका जो मेनली काम होता है वो जो भी टैक्स इन्वेडर्स होते हैं उनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करना और उन्हें पकड़ना, मेनली आपका काम एक तरीके से समझ लीजिए सर्च एंड हंट मिशन होता है आपका। आपको आपको मिलती है रिसिप्ट जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपको रेट्स कहाँ करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको रेट कंडक्ट करानी पड़ती है। रेट कंडक्शन में पता करना पड़ता है कि कहाँ पर पैसे छुपाए गए। आपने देखी होगी स्टूडेंट्स कई मूवीज बनी हुई है रेट के ऊपर, जैसे अभी आई थी अजय देवगन की मूवी रेड, इससे पहले जो स्पेशल 26 आई थी वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर ही थी। तो ऐसी रेट कंडक्ट करने का काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है। तो बेसिकली ब्लैक मनी जो लोग छुपाते हैं इनकम टैक्स को बचाने के लिए, उसको पकड़ने का काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स करते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं बात करूंगा यहाँ पर प्रमोशन की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के तौर पर आप ज्वाइन करेंगे, यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं क्योंकि एसएससी सीजीएल से जो आपका सिलेक्शन होता है वो इसी पोस्ट पर होता है। इसके बाद 6 से 7 साल के अंदर आप बनते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर और यहीं से आपकी थोड़ी अथॉरिटी मतलब डिपार्टमेंट में थोड़ी पहुंच स्टार्ट होती है। इसके बाद आप 10 से 12 साल के अंदर बनते हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, 4 से 5 साल के अंदर डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर जॉइंट कमिश्नर और उसके बाद एडिशनल कमिश्नर। तो स्टूडेंट्स अगर आप बहुत ही स्टार्टिंग लेवल पर ज्वाइन कर लेते हैं तो आप अपने करियर के अंदर इन सब पोजीशंस को पा सकते हैं। अगर आप 21 से लेकर 24 साल तक सिलेक्शन ले लेते हैं तो इन हायर लेवल पोस्ट पे पहुंचना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन 27, 28 या 29 साल की एज पर होता है तो यहाँ पर थोड़ा पहुंचना मुश्किल हो जाता है, तो आप यहाँ पर 1-2 पोजीशन पे ही जाकर रुक जाते हैं। अब स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है ट्रांसफर्स का, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को अपने मनपसंद जगह नहीं मिल पाती है। तो स्टूडेंट्स इनकम टैक्स के अंदर ट्रांसफर 2 तरीके से होते हैं, एक होता है एनुअल जनरल ट्रांसफर, एक होता है इंटरचेंज ट्रांसफर। इन दोनों ट्रांसफर के अंदर मैं बता देता हूँ ट्रांसफर इतने इजीली पॉसिबल नहीं हो पाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। आपको जिस जोन में जाना है उस जोन के अंदर सबसे पहली बात तो वैकेंसी खाली होनी चाहिए, अगर आप ऑन रिक्वेस्ट जा रहे हैं तो वहां पर, या तो आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए। जैसे आपकी वाइफ भी अगर किसी जॉब में है स्टेट गवर्नमेंट की, तो अगर आपको वहां पर जाना है तो वाइफ को तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो वो आपको ट्रांसफर कर देंगे उस स्टेट के अंदर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर 2 पर्सन गवर्नमेंट जॉब में हैं तो दोनों को एक जगह पर रखना इज मैंडेटरी। तो अगर आपकी वाइफ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आपकी वाइफ और आप भी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, या तो आपकी वाइफ को आपकी पोस्टिंग पर भेज दिया जाएगा या आपको उसकी आपकी वाइफ की पोस्ट पे पोस्टिंग पर भेज दिया जाएगा। और ये डिपेंड करता है किसकी पोस्ट हायर है, तो जिसकी पोस्ट हायर होगी वहां पर दूसरे पर्सन का ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन अगर आपकी वाइफ स्टेट गवर्नमेंट में है तो फिर उनका ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट में है तो उनके ट्रांसफर स्टेट के अंदर ही हो सकते हैं। तो आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो आपका ट्रांसफर उस स्टेट में हो सकता है, तो आपके पास कोई वैलिड रीजन होना चाहिए तभी आपका ट्रांसफर हो सकता है। इंटरचेंज ट्रांसफर होते हैं स्टूडेंट्स, म्यूचुअल ट्रांसफर भी कहलाता है ये। अगर कोई पर्सन वहां से आना चाहता है इस डिपार्टमेंट में और आप वहां जाना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कई कंडीशंस होती हैं, जैसे वहां आपकी कास्ट सेम होनी चाहिए, आपका जो ग्रेड पे है वो सेम होना चाहिए, ऐसे कई कंडीशंस वहां पर लागू होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ये चीज वेरी करती है, लेकिन ये चीज होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए अगर आप ट्रांसफर नहीं चाहते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी जैसे पोस्टिंग दिल्ली में हुई और आप दिल्ली के ही हैं तो आपको तब तक कोई चिंता नहीं है जब तक आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स नहीं बन जाते, क्योंकि इसके बाद ही आपको ट्रांसफर दिया जाएगा डिपार्टमेंट द्वारा। ये डिपार्टमेंट द्वारा ट्रांसफर जनरल ट्रांसफर होते हैं जो डिपार्टमेंट खुद करता है, और ये तभी दिए जाते हैं जब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की पोजीशन में पहुंच जाते हैं। तो यहां तक आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आते हैं स्टूडेंट्स बेनिफिट्स के ऊपर। अब स्टूडेंट्स क्या क्या बेनिफिट है इस पोस्ट के, सबसे पहला सोशल स्टेटस। आप अपने रिलेटिव को बता सकते हैं कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, आपकी इज्जत होती है, नाम होता है, और ये सब तो जानते ही होंगे, आप एसएससी के स्टूडेंट्स हैं तो आप इन सब क्वेश्चन को जानते होंगे। प्रमोशन के चांसेस बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स तक आप पहुंच सकते हैं, बहुत ही तेज प्रमोशन होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर मैं बात करता हूं अदर डिपार्टमेंट से। इसके साथ साथ आप नई चीजों के बारे में जानेंगे, टैक्सेशन पॉलिसीज, अकाउंटेंसी, कॉमर्स की नई नई चीजों के बारे में इसमें जानेंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपके पास वंडरफुल एक्सपीरियंस होगा, रेट कंडक्ट करेंगे, बहुत सारे पीपल से आपको मिलना होगा,
ऐसी बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं। इसके साथ साथ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की स्टूडेंट में बता दूं पावर नहीं है, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कोई पावर नहीं होती है। इनकम टैक्स ऑफिसर जब आपको पहला प्रमोशन जब आप मिलेगा इनकम टैक्स ऑफिसर के तौर पर, तब आपके हाथ में थोड़ी कमांडिंग पावर आएगी, लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के हाथ में इतनी पावर्स नहीं होती। तो 5 से 6 साल आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आप इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं बन जाते। स्टेबिलिटी की जॉब है, ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो आप स्टेबल लाइफ जी सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी बहुत बेस्ट जॉब है, वन ऑफ द बेस्ट जॉब इन इंडिया इन मेट्रो और कैपिटल सिटीज है, क्योंकि गांव के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं होते, तो आपको रूरल एरिया में नहीं भेजा जाएगा। सब अर्बन अर्बन या फिर मेट्रो सिटीज में आप रहेंगे तो इस तरीके से आप हमेशा एक कूल लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं। वर्क प्रेशर इतना नहीं होता, 9 से लेकर 5:30 की जॉब होती है, लेकिन अगर आप रेड टीम में हैं तो आपके टाइमिंग्स वेरी कर सकते हैं। बाकी जो जॉब होती है वो बिल्कुल डिपार्टमेंटल यानी डेली वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग है, 9 से लेकर 5:30 तक। इसके साथ बात करता हूं अब मैं इसके जो कॉन्स हैं, क्या क्या कमियां हैं इस जॉब के अंदर, हम उसके बारे में भी एक बार डिटेल देख लेते हैं। अब आपको इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ज्यादा ट्रेवल करना पड़ सकता है इसके अंदर। कोई रियल पावर नहीं होती स्टूडेंट जब तक आप इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं बन जाते। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के तौर पर आपके पास ज्यादा पावर बिल्कुल नहीं होती। जब आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएंगे तब आपके पास पावर आएंगी। डिपार्टमेंट के अंदर इंस्पेक्टर की स्टूडेंट बहुत कम इज्जत है, या तो मैं कहूंगा जो मैं मुझे पता चला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ही कम रिस्पेक्ट दी जाती है इंस्पेक्टर को, क्योंकि सबसे लोएस्ट पोस्ट होती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपके पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं होती, जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर के तौर पर मिलती है। जैसे ही आप एक्साइज इंस्पेक्टर में ज्वाइन करते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर को साइनिंग अथॉरिटी उसके ज्वाइनिंग पे ही मिल जाती है, लेकिन इस पोजीशन में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को ये नहीं मिलती। नॉन यूनिफॉर्म बेस्ड जॉब है, कोई ड्रेस कोड नहीं है, आप इसको कॉन भी मान सकते हैं या प्रो भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म वाली जॉब बहुत पसंद होती है, कईयों को नहीं पसंद है, तो इसमें ड्रेस कोड नहीं है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स को बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि बहुत पैसा है इसलिए ज्वाइन कर ले, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो घूस ब्राइब इन सब चीजों के ऊपर बिल्कुल विश्वास मत रखिए, और कोई दे भी तो मत लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको ले तो लेंगे आप, लेकिन आगे जाकर आपके दिल में एक डर बैठा रहेगा। अगर आपने वो पैसे लिए हैं तो आपके दिल में एक डर बैठा रहेगा कि कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी पकड़े जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ईमानदारी से नौकरी कीजिए, बहुत अच्छी जॉब है और इतना ये पे करती है कि आप एक कूल लाइफस्टाइल जी सकते हैं। 55,000 सैलरी एज इनिशियल पोस्ट कम नहीं होती स्टूडेंट्स, बहुत हैंडसम सैलरी है, और विदाउट ब्राइब भी आप बहुत अच्छा यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका सिलेक्शन इन सब पोस्टों पे होता है तो प्लीज करप्शन मत कीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स कट ऑफ की मैं बात कर लेता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कट ऑफ। सीजीएल के अंदर इनकी कट ऑफ देखिए अलग अलग साल के अंदर बहुत वेरी करी है। हम करंट की कट ऑफ देखते हैं 2016 के अंदर, 2016 में जो जनरल की कट ऑफ गई है वो गई है 558। अब स्टूडेंट जो ये कट ऑफ निकलती है इसमें टीयर 1 प्लस टीयर 2 प्लस टीयर 3, ये 3 टीयर की कट ऑफ होती है। इसके बाद टीयर 4 तो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है या फिर सीपीटी होता है, वो होता है। तो इन सबको मिलाकर आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है 558 गई थी जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 544, एससी के लिए 506 और एसटी के लिए 500। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स ये थी कट ऑफ जो जिस पर फाइनल सिलेक्शन होते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के।